फ्रेंड्स, मेथी के पराठे बनाएंगे हम। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए हमने ले ली है मेथी, जिसे कि हमने अच्छे से साफ कर लिया है और डंठल से अलग कर ली है। फ्रेंड्स, इसे अब हम अच्छे से धो लेंगे। सीजन मेथी का चल रहा है तो आप लगभग हफ्ते में 1 से 2 बार मेथी को ज़रूर खाएं, क्योंकि इससे आयरन कैल्शियम की पूर्ति होती है। फ्रेंड्स, अब हमने मेथी में डाल दिया है पानी। पानी डालने से, पानी अच्छे से ज़्यादा डालना है, जिससे कि मेथी में जो भी मिट्टी लगी हुई होगी वो मिट्टी आराम से नीचे बैठ जाएगी और मेथी अच्छे से धुल जाएगी। इस तरह से हम मेथी को अच्छे से धोकर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने मेथी को धो लिया है। अब हमें करना क्या है, मेथी को हमें अच्छे से बारीक बारीक काटना है। तो मेथी को हमें एकदम ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है, क्योंकि इस तरह से हम मेथी को पूरी काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी मेथी को काट ली है। एक पैन ले लिया है हमने, इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे हम मेथी। इसे हम चला कर अच्छे से सुखा लेंगे। इस तरह से इसे हम अच्छे से थोड़ी देर पका लेंगे। जब तक इधर मेथी गलकर तैयार होती है, तब तक हमने ले ली है लहसुन। अब इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्ची। ये दोनों हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने 2 ले ली है। धनिया को भी मैंने 2 कल ले लिया है और डंठल समेत ले लिया है। इसे हम पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हमने आटा छान लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, अजवाइन। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच भर के बेसन। हाँ, बेसन डालने से ये बहुत ही अच्छा लगेगा। 3 चम्मच बेसन डाल देती हूँ मैं। थोड़ी सी हम सौंफ भी डाल देंगे, इससे खाने में फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे नमक। फिर इसमें अब हम डाल देंगे जो हमने लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया को पीस के रखा हुआ है, इसे डाल देंगे। फिर इसमें अब हम डाल देंगे मेथी। आप चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स या लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाली है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी हमें पानी नहीं डालना है। सारी चीज़ों को हम सूखे में अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। हाँ, इससे पराठों में बहुत अच्छी सॉफ्टनेस रहेगी। अब इसमें पानी डालते हुए हम इसका एक
डो लगा लेंगे। डो ज़्यादा ही सॉफ्ट नहीं लगाना है, डो हमें थोड़ा हार्ड लगाना है क्योंकि ये धीरे धीरे गीला होने लगता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये मेथी के पराठे बनाने का तरीका कैसा लगता है? अगर मेरा तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और वीडियो में कंटिन्यू आगे बने रहिए। फ्रेंड्स, आप जहाँ मैंने बेसन डाला था, बेसन और बेसन के साथ ही आप उबले हुए आलू भी यूज़ कर सकते हो, और मैंने जो मोयन में ऑयल डाला था वहाँ पर आप घी भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हमारा आटा बनकर रेडी हो गया है। इसे अब हम 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। आटा हमारा रेडी है, अब हम बना लेंगे पराठे। चलिए बनाते हैं। इसे आटे का पेड़ा लेंगे जो कि हम रोटी से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसे हम सूखे आटे में डिप करेंगे। इसके बाद इसे हम इस पर रखेंगे, फिर इसे हम बेल लेंगे। इस पर अब हम ऑयल अप्लाई कर देंगे, फिर इस पर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे, फिर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे, फिर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। सूखा आटा और ऑयल अप्लाई करने से ये होगा कि ये अच्छे से पकेगा और इसके सारे पार्ट अच्छे से खुलकर आएंगे। इस तरह से पराठा बेलकर रेडी हो गया है। तवा भी गर्म हो गया है, इस पर हमने डाल दिया है पराठा। फ्रेंड्स, तवा अच्छा गर्म है जिसमें हमने पराठे को डाल दिया है। अब इसे हम उलटते पुलटते हुए तेल या घी से अच्छे से सेक लेंगे। इस पर तेल या घी आप कुछ भी आपकी इच्छा से अप्लाई कर सकते हो। तेल या घी लगाने से होता ये है कि ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सा सिक्का तैयार होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आप मेथी के पराठे किस तरीके से बनाते हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा अगर मेथी का पराठा बनाने का तरीका आपको समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस तरह से पराठा सीखकर रेडी हो गया है। चलिए हम दूसरा पराठा सेकते हैं। पराठा डाल दिया है, तवा अच्छे से गर्म है, हाई फ्लेम पर इसे हम सेकेंगे क्योंकि लो फ्लेम पर ये कच्चा कच्चा सा लगता है। इसे हम पलट देंगे, इस पर हम ऑयल अप्लाई कर देंगे, फिर से पराठे को हम पलट देंगे और फिर से इस पर हम ऑयल अप्लाई कर देंगे। इस तरह से उलट पुलट करते हुए हम अच्छा सा गोल्डन करारा सा क्रिस्पी सा पराठा सेक कर रेडी कर देंगे। फ्रेंड्स, इसे आप गर्मा गर्म ही दही रायता या अचार के साथ सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।